आज अगर कश्मीर में खवातीन से ज्यादती हो रही है, बच्चों से ज्यादती हो रही है, तो मुझे पता था आप भागेंगे, मुझे पता था जैसे आपसे एक सवाल पूछूंगी आप भागेंगे। मुझे ये सच 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 बोलिए ना, डरिएगा मत उनसे। दिखाइए भाई, आज दो पाकिस्तानी भिड़ रहे हैं टीवी पे, दिखाइए दोनों। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 1,25,000 में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम। आपने देखा होगा हमने पहल नहीं की, तैयार खड़ा है हिंदुस्तान, पहल हिंदुस्तान ने पहले की ना अब करेगा। 40 जवान शहीद किए थे पुलवामा में आपने, पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में 500 मारे थे, आओ करो पहल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दोस्तों तालिबान के आने से पाकिस्तान को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में आकर कुछ भी अनर्गल बयान दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक बयान आया था कि तालिबान के जरिए हम कश्मीर फतह करेंगे, लेकिन दोस्तों जब भारतीय पत्रकार ने तालिबान को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार से सवाल जवाब किए तो दोनों पाकिस्तानी आपस में ही भिड़ गए। एक ने तो तालिबान को गुड बॉय बताया, एक ने बैड बॉय। वहीं दोस्तों पाकिस्तानियों के द्वारा जब कश्मीर का नाम लिया गया तब भारतीय कर्नल बेटा सिंह जी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा और वो सारे दिन याद दिला दिए जिसे याद करके पाकिस्तानी लाइव टीवी पर आकर अपना दुख रोते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। सवाल से भाग गए ना कमर चीम आप? सुने, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। ये तालिबान को शांति दूत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लड बाथ और रेप्स को रोकना शुरू किया अफगानिस्तान में। ये क्या एक बहुत बड़ा मजाक नहीं है उन लोगों के साथ जिन्होंने त्रासदी झेली है तालिबान की? तालिबान का सच बोलने की थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाइए कमर चीमा। देखें, एक है तालिबान का करैक्टर जो कि 1996 से लेकर 2001 तक था, तब तो वो बर्बैरिक थे, तब तो वो इनह्यूमन तरीके से अब माइनॉरिटीज और बाकी लोगों से पेश आते थे, लेकिन 2021 में वो कह रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेना चाहते हैं, और अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी शो की है और अच्छा, वो समझते हैं। अच्छा, कम से कम आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि अब्दुल समद को आपने झूठा बोला। तालिबान के बारे में कोई बारबरिक नहीं थे वहां पे, फिर आप 92 फिर आप पीछे। दिखाइए भाई, दो पाकिस्तानी भिड़ रहे हैं टीवी पे, दिखाइए अफगानिस्तान से क्या हशर हो रहा था अफगानिस्तान का। मैंने इतनी डिसिप्लिन्ड तालिबान जैसी फोर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी नहीं देखी। अच्छा, जो चेन ऑफ कमांड के तहत चलती थी, जो मुल्ला उमर के एक ऑर्डर के ऊपर वो इस तरह से हुक्म मानती थी कि जिस तरह से को दुनिया की कोई सिविलाइज्ड आर्मी कोई इस तरह से ना माने जिस तरह से तालिबान मानते थे। कमर चीमा, मेरा ख्याल है कि देखें इसमें हमें बड़ा ऑब्जेक्टिवली प्ले करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिवली सोचने की जरूरत है। मुझे ये सच बोलिए ना, डरिएगा मत उनसे। सुनिए, जब देखें, जब बमन बुद्धा के जो स्टैचूज को इन्होंने गिराया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन थी। जापानी तालिबान को कहते रहे कि हम आपको पैसा देते हैं, ये बुद्धा के स्टैचूज ना गिरे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पत्थर है और ये बुद्ध है। उनको माजी में चीजों का नहीं पता था, वो एक और तरीके से बिहेव करते थे और वो माइनॉरिटीज को भी बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते थे, वो सेक्टेरियन माइंडसेट भी रखते थे। माजी में उनका किरदार एक और किस्म का था, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने देखा है और उन्होंने समझा है कि अगर हमें दुनिया में महज़ब एनवायरनमेंट में हमें रहना है तो हमें अपना पॉलिटिकल बिहेवियर तब्दील करना होगा, हमें एक अकोमोडेटिव सोच रखनी पड़ेगी। वरना एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि तालिबान की नजरियाती सोच नहीं बदली, उनका नजरिया नहीं बदला, उनका बिहेवियर जरूर बदला है। ये है वो चीज जो इस वक्त दुनिया इसके ऊपर फोकस कर रही है कि अगर नजरिया नहीं बदला, बिहेवियर बदला है जी, और नजरिया नहीं बदला, बिहेवियर बदला। दुनिया के कौन सी छोर से आप लॉजिक लेकर आते हैं जिसकी सोच नहीं बदलेगी वो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट होगा ना? ये तो सिर्फ मुखौटा है ना कमर चीमा। आप क्या चाहते हैं? जुल्म की इंतहा हो तभी आपकी जुबान खुलेगी, वरना आप सोचिए कि अभी से ही महिला एंकर्स को हटाया गया ना। चलो न्यूज पे कर क्या हो रहा है, महिला एंकर्स को हटाकर आपने देखा नहीं? या आप पट्टी लगा लेते हैं, बस अपने मन की खबर देखते हैं। आज अगर कश्मीर में खवातीन से ज्यादती हो रही है, बच्चों से ज्यादती हो रही है, तो मुझे पता था आप भागेंगे। मुझे पता था जैसे आपसे एक सवाल पूछूंगी आप भागेंगे, फिर भाग रहे हैं आप कश्मीर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अफगानिस्तान का सरकारी चैनल, एक सेकंड, महिला एंकर्स को रोका जा रहा है कि नहीं अफगानिस्तान में कमर चीमा, हाँ या ना? दोबारा सवाल कीजिएगा।
महिला एंकर्स को हटाकर वहां पर तालिबानी लड़कों को बिठाया जा रहा है ना, न्यूज एंकर्स बनाया जा रहा है, दिखा है कि नहीं आपको? और मैंने तो ये भी सुना है कि जो स्टेट टेलीविजन पे खवातीन काम करती थी उनको कहा गया कि आप वापस चली जाए टीवी से, जो कि गलत है, और उनको जॉब से पारे करना और उनको ये हक ना देना और ये कहना कि आपको नौकरी का कोई हक नहीं है, उनके पास उनके मीडिया के कार्ड्स भी मौजूद थे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन सुहेल शहीन ने कहा है कि हमने एक कंप्लेंट कमीशन बना दिया है मीडिया के हवाले से, मुझे उम्मीद है वो इन मसाइल को एड्रेस करेंगे। बिट्टा साहब आप बहुत देर से हाथ उठाए, जरा इनको जवाब दीजिए। ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जलेबी यहाँ पर छानने की कोशिश कर रहे हैं तलने की, जरा इनको समझाइए। अंजना जी, हम इनमें नहीं बोले, आप ये हमारे में ना बोले इस बात को लेके। बात की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो वहां से हुई कि इमरान खान की एक प्रवक्ता ने कहा अब तालिबान को लेके हम कश्मीर की बात। इसका मतलब यह हुआ इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा, 370 दारा के बाद ये लड़ नहीं सकते। हमारे पहली बात तो हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारे हाथ जोड़े नरेंद्र मोदी जी भी इनके पास गए थे, भैया हम जंग नहीं चाहते, आप भी अमन शांति से रहो, हम भी रहे। आपने दीनानगर पठानकोट की घटना की, एक फायर चलाया, अभी तक हमारी गोली जारी है, हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से हुई। अब आपने कहा तालिबानियों को लेकर के हम कश्मीर, इसका मतलब आप नहीं लड़ सकते और हम लड़ना भी नहीं चाहते। पर अगर तालिबानियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे पहल आपकी होगी, 370 दारा पे भी मैंने कहा था पहल आपकी होगी, दूज फिर हम करके दिखाएंगे हम क्या करते हैं। महाराज रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, जिसको कहते थे पंजाब में शेरे पंजाब, काबल कंधार तक नाम था उसकी फौज का, जर्नल था हरी सिंह नलुआ, माए कहती थी बेटा सोजा नलुआ आ गया, वो था हरी सिंह नलुआ, जिसका भी लाहौर में स्टैचू इन्होंने तोड़ तोड़ के रख दिया, वो महाराज रणजीत सिंह जिसका कंधार तक नाम था। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को महाराज रणजीत सिंह छत्रपति महाराज से नहीं मिलाना चाहता, पर आज का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमाओं का चौकीदार और हिंदुस्तान का योद्धा, और चाइना में देखा होगा एक गुरतेज सिंह चाइना की तरफ से एक बार बार हुआ कृपाण लेके क्या कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 1,25,000 में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम। आपने देखा होगा हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से होगी, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जंग के हक में, और जूझ हमारी होगी। वो वक्त अगर महाराज रणजीत सिंह का वक्त काबल कंधार तक कांपते थे लोग, तो आज तो नरेंद्र मोदी, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी, हम चाहते हैं आप भी विकास करें, आप भी तरक्की के रास्ते पे जाएं। उस तालिबान की बात करते नहीं, उस तालिबान की बात करते हैं जो बहनों के सुहाग उजाड़ता है, जो बच्चों को यतीम करता है, जो मानवता का कत्लेआम करता है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो मानवता का, उसके लिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खड़े होते हैं। ये आपके आपका मानवता का सबूत है जनाब, आपको जवाब देना होगा दुनिया को। आम अफगानिस्तानी क्या बिगाड़ा था, उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे तड़प रहे, प्लेन में चढ़ते दीवार उसको गोलियां मार देते हैं, उस तालिबानियों की पाकिस्तान मदद करेगा, तैयार खड़ा है हिंदुस्तान, पहल हिंदुस्तान ने पहले की ना अब करेगा। 40 जवान शहीद किए थे पुलवामा में आपने, पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में 500 मारे थे, आओ करो पहल।